कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर होता है विच रिमूव्स हीट ऑफ हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर. कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज होके जो है वो हमारा कंप्रेसर के अंदर जो है वो हमारा लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर होता है. कंप्रेसर के बाद कंप्रेस होके हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होता है. वो डिस्चार्ज जो है वो कंप्रेसर के डिस्चार्ज से कंडेंसर में आता है. कंडेंसर क्या करता है? हीट को जो है वो रिमूव करता है. दैट मीन्स कंडेंसर जो है वो एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है दैट रिमूव द हीट फ्रॉम द हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि हमारा कंप्रेसर से आता है. द कंडेंसर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री ग्रुप. मतलब कंडेंसर को जो है वो तीन ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर, सेकंड है हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर, थर्ड जो है वो हमारा इवोपरेटिव कंडेंसर. वाटर कूल्ड कंडेंसर का मतलब है जो भी हमारा कूलिंग होगी वह कूलिंग बाय द हेल्प ऑफ एयर. दूसरा है कूलिंग जो है जो भी कूलिंग होगी वो हमारी वाटर की हेल्प से, वो हो गया हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर. थर्ड जो है वो इवेपोरेटिव कंडेंसर जिसके अंदर वाटर एंड एयर जो है वो दोनों यूज में लेते हैं कंडेंसिंग के लिए. फर्स्ट जो है वो एयर कूल्ड कंडेंसर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर एयर जो है वो एक्सटर्नल फ्लूइड की तरह अपन यूज करते हैं. डेट इज द रेफ्रिजरेंट रिजेक्ट हीट टू एयर फ्लोइंग ओवर द कंडेंसर. जो हीट रिजेक्ट जो होगी वो हमारी रेफ्रिजरेंट से जो हीट रिजेक्ट होगी वो एयर फ्लो के माध्यम से होगी. जो एयर फ्लो होगा तो उसके माध्यम से जो है अपना रेफ्रिजरेंट जो है वो कूल होगा. तो एयर कूल कंडेंसर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप या टू पार्ट, टू टाइप, नेचुरल कन्वेंशन टाइप और दूसरा है हमारा फोर्स कन्वेंशन टाइप. नेचुरल कन्वेंशन टाइप का मतलब है कि हम उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल जो है वो डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं. इफेक्ट जैसे बायोन्सी फोर्स है, उस बायोन्सी फोर्स के द्वारा जो है वो हमारी एयर जो है वो फ्लो होगी और वो जैसे जैसे एयर फ्लो होगी वो रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट रिमूव करेगी. और हमें पता है कि जो हॉट एयर होती है वो हमारी ऊपर होती है, लाइट वेट होती है, वो ऊपर चली जाती है. तो नीचे जो है वो हमारी कोल्ड एयर होती है, वो कोल्ड एयर जो है वो और ज़्यादा जो है वो हीट रिमूव करने की कैपेसिटी रखती है. तो ये एयर कूल्ड कंडेंसर का जो है वो हमारा डायग्राम है. यहाँ से जो है वो रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा फ्लो होगा और इस ट्यूब्स जो दिखाई गई है इससे, और ये जो है वो ये फिन्स दिखाई गई है, इस फिन से जो है वो एयर आएगी और हमारा इसको कंडेंसर ट्यूब्स को जो है वो कूल करेगी, यहाँ से रिमूविंग करेगी हीट को. फर्स्ट जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप के अंदर, इन नेचुरल कन्वेक्शन टाइप द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कंडेंसर इज बाय बायोन्सी इंड्यूस नेचुरल कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. जो बायोन्सी है उस इफेक्ट पर वर्क करेगी और नेचुरल कन्वेक्शन और रेडिएशन के कारण जो है वो हमारा हीट ट्रांसफर होगा. सिंस द फ्लो रेट ऑफ एयर इज स्मॉल एंड द रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो वेरी हाई, द कम्बाइंड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इन दिस कंडेंसर इज स्मॉल. एज ए रिजल्ट ए रिलेटिवली लार्ज कंडेंसिंग सरफेस इज रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट. मतलब हमें जो है वो कंडेंसिंग सरफेस का एरिया जो है वो ज़्यादा चाहिए ज़्यादा हीट रिमूव करने के लिए. हेंस दिस कंडेंसर आर यूज फॉर द स्मॉल कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम लाइक हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर. द नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर आर आइदर प्लेट सरफेस टाइप और फिन ट्यूब टाइप. जो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप होते हैं वो या तो हमारी प्लेट टाइप सरफेस के होते हैं या फिन ट्यूब्स टाइप सरफेस के होते हैं. इन प्लेट सरफेस टाइप कंडेंसर यूज इन स्मॉल रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर के अंदर जो है वो प्लेट टाइप सरफेस कंडेंसर यूज आता है. द रेफ्रिजरेंट कैरिंग ट्यूब्स आर अटैच टू द आउटर वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट. जो ट्यूब्स जो है वो हमारी बाहर की तरफ अटैच होती है. नेक्स्ट जो है वो हमारा फोर्स टाइप कन्वेक्शन सिस्टम. फोर्स टाइप कन्वेक्शन सिस्टम के अंदर जो है वो एक सर्कुलेशन ऑफ एयर ओवर द कंडेंसर सरफेस इज मेंटेन बाय यूजिंग ए फैन और ब्लोवर. जो एयर का सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम फैन या ब्लोवर का यूज करते हैं. दीज कंडेंसर नॉर्मली यूज फिन और एयर साइड फॉर गुड हीट ट्रांसफर.
फिन्स और एयर साइड यूज़ करते हैं फॉर द गुड हीट ट्रांसफर, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी हीट रिमूव हो सके. द फिन्स कैन बी आइदर प्लेट टाइप और एनुलर टाइप. द फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर आर कॉमनली यूज इन विंडो एयर कंडीशनर, वाटर कूलर्स और पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर जो है वो इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट जो है वो हमारा वाटर कूल कंडेंसर. वाटर कूल कंडेंसर का मतलब ये है कि जो भी हम कूलिंग कर रहे हैं उस कूलिंग के लिए वाटर जो है वो एज ए मीडियम या एज ए एक्सटर्नल फ्लूड को हम यूज़ करते हैं. इन वाटर कूल कंडेंसर वाटर इज एक्सटर्नल फ्लूड. डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन वाटर कूल कंडेंसर कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इन टू थ्री पार्ट. फर्स्ट जो है वो हमारा ट्यूब सॉरी डबल पाइप और ट्यूब इन ट्यूब टाइप. दूसरा है हमारा शेल एंड कोयल टाइप और तीसरा है शेल एंड ट्यूब टाइप. फर्स्ट जो है वो ट्यूब इन ट्यूब और डबल पाइप कंडेंसर. डबल पाइप कंडेंसर आर नॉर्मली यूज्ड अप टू 10 TR कैपेसिटी, 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी के लिए यूज होता है इन डबल पाइप टाइप कंडेंसर. द कोल्ड वाटर फ्लोज थ्रू द इनर ट्यूब व्हाइल द रेफ्रिजरेंट फ्लो थ्रू द एनुलस इन काउंटर फ्लो. एक दो जो है वो ट्यूब्स के अंदर ट्यूब्स लगी हुई होती है जिसको हम डबल ट्यूब बोलते हैं. एक के अंदर जो है वो हमारा वाटर फ्लो होगा इनर ट्यूब के अंदर, आउटर ट्यूब के अंदर जो है वो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा और दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होगी, दैट मीन्स द काउंटर फ्लो. द हेडर आर यूज एट द बोथ द एंड्स टू मेक द लेंथ ऑफ कंडेंसर स्मॉल एंड रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप. हेडर जो है वो यूज करेंगे. द रेफ्रिजरेंट इन द एनुलस रिजेक्ट ए पार्ट ऑफ इट्स हीट टू द सराउंडिंग बाई फ्री कन्वेंशन और रेडिएशन. द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज यूजुअली लो बिकॉज ऑफ पुअर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ड्रेनेज इफ ट्यूब्स आर लॉन्ग. अगर ज़्यादा लंबी ट्यूब्स होंगी तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा, इसलिए जो है वो स्मॉल लेंथ की ट्यूब्स हम जनरली यूज करते हैं. ये जो है वो सिमेट्रिक डायग्राम है. सिमेट्रिक डायग्राम जो है वो ट्यूब एंड ट्यूब, ट्यूब एंड ट्यूब या डबल पाइप कंडेंसर. यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वाटर जो है वो अंदर जो स्मॉल ट्यूब है उसके अंदर फ्लो हो रही है. ये वाटर का जो है वो इनलेट शो हो रहा है, ये वाटर का जो है वो आउटलेट शो हो रहा है. यहाँ पर जो है वो अब यहाँ से जो है वो काउंटर फ्लो, वाटर का फ्लो और रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो काउंटर साइड है. मतलब इस तरह से अगर जो है वो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो है. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट जो है वो हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर. कंप्रेसर से जो हमारी हॉट रेफ्रिजरेंट आ रही है वो फ्लो हो रही है और उसको कूल करने के लिए वाटर जो है वो दूसरा मीडियम है और यहाँ से वाटर जो है वो रिसीवर की तरफ जा रहा है. तो ये हो गया हमारा ट्यूब इन ट्यूब और डबल पाइप कंडेंसर. नेक्स्ट जो है वो हमारा शेल एंड कॉइल कंडेंसर. शेल एंड कॉइल कंडेंसर आर यूज इन द सिस्टम अप टू 50 TR कैपेसिटी के लिए. वो हमारा ट्यूब एंड ट्यूब जो है वो 10 TR कैपेसिटी के लिए यूज़ कर रहे थे, उससे ज़्यादा कैपेसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, 50 TR कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं. द वाटर फ्लोज थ्रू मल्टीपल कॉइल्स विच मे हैव फिन्स टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशेंट. वाटर जो है वो मल्टीपल कॉइल्स, यहाँ पे कॉइल्स लिखा हुआ है, यानी मल्टीपल कॉइल्स के अंदर से वाटर जो है हमारा पास होता है. डेट इन विच में हैव फिन्स टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशेंट. इट कंसिस्ट ऑफ वेल्डेड स्टील शेल कंटेनिंग ए कॉइल ऑफ फिन ट्यूबिंग. अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि वेल्डेड स्टील शील का बना हुआ होता है. द वाटर फ्लो इन द कॉइल द रेफ्रिजरेंट बींग इन द शेल. वाटर जो है वो कॉइल के अंदर फ्लो होता है और रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारी शेल के अंदर फ्लो होता है. सिंस द ट्यूब बंडल इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल द वाटर साइड ऑफ द ट्यूब कैन नॉट बी ब्रश बट कैन ओनली बी क्लीन्ड केमिकली. इसको जो है वो केमिकली क्लीन करना पड़ता है. दिस इज द डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर. इसके अंदर जो है वो शेल, ये जो है वो शेल सिलेंडर का पार्ट जो दिख रहा है और ये हमारी ट्यूब है, कॉइल है. ये कॉइल शो हो रही है, कॉइल के अंदर जो है वो हमारा वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है. ये कोल्ड वाटर का इनलेट और कोल्ड वाटर जो है वो हमारा हीट
गेन करेगा हीट गेन करने के बाद। या जहाँ पर जो है वो वार्म वाटर आउटलेट शो कर रहा है, यहाँ पर जो है वो इस शेल के अंदर जो है हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर आएगी और जो है वो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। हीट एक्सचेंज के बाद हॉट वेपर जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो वाटर को ट्रांसफर कर देगी और यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द रिसीवर। नेक्स्ट है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंडेंसर यूज इन सिस्टम फ्रॉम द 2 TR अप टू 1000 ऑफ TR कैपेसिटी। मतलब इसको स्मॉल कैपेसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लार्ज कैपेसिटी अप टू द 1000 ऑफ TR के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। इन दिस कंडेंसर द रेफ्रिजरेंट फ्लो थ्रू द शेल वाइल द वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब्स। रेफ्रिजरेंट जो है उसको शेल से पास कराते हैं और वाटर जो है उसको ट्यूब से पास कराते हैं इन सिंगल टू 4 पासेस, एक बार में या फिर मल्टीपल टाइम जैसे 4 पासेस। द कंडेंस रेफ्रिजरेंट कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द शेल। द कोल्डेस्ट वाटर कॉन्टेक्ट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट सो द सम सब कूलिंग कैन बी ऑब्टेन। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिसीवर। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो बॉटम से हम रिसीव करते हैं रिसीवर के अंदर। देयर माइट बी ए वेंट कनेक्टिंग द रिसीवर टू द कंडेंसर फॉर द स्मूथ ड्रेनेज ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। द शेल आल्सो एक्ट एज ए रिसीवर। शेल जो है वो एक रिसीवर की तरह काम करता है। फर्दर द रेफ्रिजरेंट आल्सो रिजेक्ट हीट टू द सराउंडिंग फ्रॉम द शेल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टाइप इज हॉरिजेंटल शेल टाइप। हॉरिजेंटल शेल टाइप जो है मोस्ट कॉमनली टाइप है शेल एंड ट्यूब टाइप का। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द शेल एंड ट्यूब टाइप। इसके अंदर ये शेल दिखाई दे रही है और ये जो है वो इसके बीच में से जो है वो ट्यूब्स जो है वो पास हो रही है। इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है और यहाँ पर जो है वो कूलिंग वाटर जो है वो पास हो रहा है और इन ट्यूब्स के अंदर से पास होता हुआ ये कूलिंग वाटर जो है वो आउट हो रहा है और यहाँ पर जो है वो हमारा हॉट वाटर जो है वो कंप्रेसर से और फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो रिसीवर से नीचे की तरफ से पास हो रहा है। यहाँ पे ट्यूब प्लेट ये जो है वो आपस में एंड पे जो है वो कनेक्टेड रहती है ट्यूब्स। इवोपरेटिव कंडेंसर। इन इवोपरेटिव कंडेंसर बोथ द एयर एंड वाटर आर यूज टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कंडेंसिंग रेफ्रिजरेंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि वाटर टाइप कंडेंसर और एयर टाइप कंडेंसर। अब हम पढ़ रहे हैं इवोपरेटिव कंडेंसर। इवोपरेटिव कंडेंसर के अंदर जो हीट हमारी रिमूव हो रही है वो हीट जो है वो बोथ एयर एंड वाटर दोनों के कारण रिमूव होगी। द इवोपरेटिव कंडेंसर कंबाइन द फीचर ऑफ कूलिंग टावर एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर इन ए सिंगल यूनिट। जो है वो इसके अंदर कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट या फीचर्स और वाटर कूल्ड कंडेंस का फीचर्स जो है वो कंबाइंड होता है। इन दिस कंडेंसर द वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ द पार्ट और टॉप ऑफ द बैंक ऑफ ट्यूब्स कैरिंग द रेफ्रिजरेंट एंड एयर इज इंड्यूस्ड अपवर्ड। इस सिस्टम के अंदर जो है वो वाटर जो है वो ऊपर से टॉप पार्ट से जो है वो स्प्रेड कराया जाता है और एयर जो है वो नीचे से इंड्यूस कराई जाती है जिसका सिमेट्रिक डायग्राम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। देयर इज ए थिन वाटर फिल्म अराउंड द कंडेंसर ट्यूब्स विच इवोपरेटिव कूलिंग टेक प्लेस। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द इवोपरेटिव कूलिंग इज वेरी लार्ज क्योंकि इसके अंदर एयर वाटर हो रहा है तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया में होगा तो इसलिए जो है वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द इवोपरेटिव कूलिंग इज वेरी हाई या वेरी लार्ज ज़्यादा होती है। हेंस रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी ऑपरेट एट लो कंडेंसिंग टेम्परेचर पर इसको यूज कर सकते हैं अबाउट 11 to 13 केल्विन अबव द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। द वाटर स्प्रे काउंटर करंट ऑफ एयर फ्लो एक्ट एज कूलिंग टावर। जो वाटर जो है वो ऊपर से फ्लो हो रहा है टॉप पर से और एयर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो ये एक कूलिंग टावर जैसा
एक्ट करता है, कूलिंग टावर जैसा होता है फ्यूचर इसका. द रोल ऑफ एयर इज प्राइमरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन. एयर का काम क्या है कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है वाटर के. द रिक्वायर्ड एयर फ्लो रेट्स आर इन द रेंज ऑफ 350 to 500 मीटर क्यूब पर हार पर टीआर ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी. दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ इवोपरेटिव कंडेंसर. इवोपरेटिव कंडेंसर के अंदर हम यहाँ से देख रहे हैं कि वाटर जो है वो हमारा ऊपर से जो है वो स्प्रेड हो रहा है. यहाँ पर जो है वो कूलिंग पॉन्ड या एक सम है. सम से क्या होता है कि वाटर पंप के थ्रू जो है वो वाटर जाता है और यहाँ पर ये नोज़ल जो है वो ऑरिफिस बनी हुई होती है वाटर की नोज़ल. इस नोज़ल से जो है वो वाटर जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर स्प्रे होती है और यहाँ पे एलिमेंटर्स और यहाँ पे इंड्यूस ड्राफ्ट फैन. तो ये एयर जो है वो नीचे से फ्लो होता है, तो नीचे से फ्लो होके ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है. तो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ से हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर से आ रही है. कंप्रेसर से आने के बाद ये वाटर पहले तो वाटर के कांटेक्ट में आती है साइमल्टेनियसली साथ में ही जो है वो एयर इन जहाँ पे जो है वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है जिसके कारण जो है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. तो वाटर के कारण भी जो है वो हीट रिड्यूस हो रही है और एयर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण भी हीट रिड्यूस हो रही है. तो जो है वो हीट जो है वो एक्सचेंज होती है, हीट जो है वो रिमूव हो जाती है यहाँ पर इस कंडेंसर के थ्रू. यहाँ पर जो है वो हीट रिमूव हो जाती है. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट लगे हुए हैं क्योंकि जो भी वेपर होती है वो वेपर जो है वो ऊपर चली जाती है. तो कुछ वेपर के साथ जो है वो वाटर पार्टिकल भी होते हैं तो एलिमिनेटर की हेल्प से वापस जो है वो सम्प में आ जाते हैं. और इस सम्प के अंदर इवोपरेशन के कारण जो है वो वाटर का लॉस होता है. तो उसके लिए जो है वो एक फर्दर अरेंजमेंट मेकअप वाटर के लिए भी लगाया हुआ होता है कि दोबारा जो है वो वाटर जो है वो कर ले सकें. तो इस तरह से जो है वो इवोपरेटिव कंडेंसर होता है. थैंक यू सो मच.